Today I am going to tell you recursion in C language. C is a powerful programming language having capabilities like an iteration of the set of statements n number of times. The same concept can be done using functions also. Recursion concept can be used in the C as follows. C language में recursion जो होता है वो एक function में n time work करता है और particular condition डालने पर program अपने आप बाहर निकल जाता है और वो उस type का function है जो अपने को खुद call करता है. Concept of calling the function from itself can be termed as a recursion. इसीलिए जो function अपने को खुद को call करता है वो recursion कहलाता है. And function in which makes this possible is called a recursive function. और जो उसको possible करता है उसको recursive function कहते हैं. Here an example of how recursion work in program. अब यहाँ पे एक हम example आपको बता रहे हैं जिसमें recursion कैसे काम करता है वो बताएगा. First of all हम लोग ने एक function define किया void recprog void. Recprog void फंक्शन कॉल इट्सेल्फ. अब फंक्शन के अंदर जब हमने फिर फंक्शन का नाम लिख दिया तो वो फंक्शन को कॉल करेगा. इंट मेन वॉइड recprog. फर्स्ट टाइम मेन में से recprog को कॉल करेगा और रिटर्न जीरो करेंगे. लेकिन क्या होगा यहाँ पर जब हम यहाँ पर recprog फिर से कॉल कर लेंगे तो ये बराबर अपने को कॉल करता चला जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा. तो कहाँ फंस जाएगा? एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा. बट वेन यू इम्प्लीमेंट द रिकर्सन कॉन्सेप्ट यू हैव टू बी कॉन्शियस इन डिफाइनिंग एन एग्जिट और टर्मिनेटिंग कंडीशन फ्रॉम दिस रिकर्सिव फंक्शन और एल्स इट विल कंटिन्यू टू एन इनफाइनाइट. सो मेक श्योर दैट द कंडीशन इज सेट विद इन योर प्रोग्राम. तो उसके लिए हमें कोई कंडीशन एग्जिट कंडीशन लगानी पड़ेगी अदरवाइज लूप जो है इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा. उसके लिए एक एग्जाम्पल हमने फैक्टोरियल का लिया है. फैक्टोरियल प्रोग्राम इन सी यूजिंग रिकर्सन. उसके लिए सबसे पहले हेडर फाइल stdio.h conio.h लेंगे. फैक्ट इन टेफ करेंगे. अगर f 0 है 1 है तब तो कैलकुलेट हो चुका है फैक्टोरियल और रिटर्न 1 कर देगा. अदरवाइज क्या करेगा? रिटर्न f इंटू f फैक्ट f माइनस 1 करेगा. अब ये क्या कर रहा है? जब फर्स्ट टाइम मेन में से वैल्यू हम 4 कॉल करेंगे, f की वैल्यू 4 इनिशियलाइज कर दी और उसको कॉल करेंगे प्रिंट f फैक्टोरियल %d f f fact 1. तो फर्स्ट टाइम जब फैक्ट की 4 वैल्यू लेके जाएगा तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू 4 माइनस 1 3 करेगा. 4 इंटू 3 करेगा तो 4 को 3 से कॉल कर लेगा. अब 3 इंटू 3 माइनस 1 करेगा, अब 2 से कॉल करेगा. फिर 2 इंटू 2 माइनस 1 फिर 1 से कॉल करेगा. अब 1 जैसे ही आएगा रिटर्न 1 करेगा, ये वापस चला जाएगा कहाँ पे? फैक्टोरियल 1 वाले पे और वहाँ पर फिर से वो वैल्यू लेता हुआ 2 वैल्यू लेगा. फिर 2 इंटू 1 करेगा, फिर 2 इंटू 3 करेगा 6 हो जाएगा, 6 इंटू 4 करेगा 24 होगा. अब ये कैसे होगा इसको समझाने के लिए स्टैक समझाना पड़ेगा. कैलकुलेट फंक्शन द फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24. ये यहाँ पे तो ऐसे प्रिंट कर दे रहा है लेकिन ये कैसे काम कर रहा है इसको समझने के लिए हम प्रोग्राम में रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पर और इंट फैक्ट डिफाइन करेंगे जिसमें इफ कंडीशन डिफाइन करेंगे. फैक्ट f इक्वल्स टू 0 करेंगे तो वो रिटर्न 1 करेगा, अदरवाइज f इंटू फैक्ट f माइनस 1 करेगा और रिटर्न रेस्ट करेगा. जब वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो वापस फैक्ट 1 वाले पे आएगा और रिटर्न रेस्ट करेगा. अब कैसे ये करेगा? सबसे पहले मेन में एफ और रेस हम लोग ने डिफाइन किया है. ये लोकल वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल मेन का है. यहाँ पर वैल्यू को एंटर करेंगे जिसको हमको यूज़ करना है. तो यहाँ पर f हमने जनरलाइज कर दिया. पिछले प्रोग्राम में f को हमने फिक्स कर दिया था, 4 कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. लेकिन अभी हम लोग 4 लेके ही चलेंगे. एंटर 4 किया तो फैक्ट 4 फर्स्ट टाइम
कॉल होगा, फर्स्ट टाइम जब कॉल होगा तो 4 की वैल्यू यहाँ पे चेक होगी और 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है ये देखिए, हम डायग्राम के थ्रू आपको समझा देते हैं। फर्स्ट टाइम जब एफ इक्वल्स टू 4 होगा तो रिजल्ट 0 होगा, रिजल्ट में फैक्ट एफ 4 लेके जाएगा, फैक्ट 4 नाम का एक फ्रेम बफर खुल जाएगा जहाँ पर 4 को 0 से कंपेयर करेगा, 4 0 के बराबर नहीं, तो इफ कंडीशन से निकल कर एक्स एल्स में आएगा, एल्स में जाकर रिजल्ट को 4 इंटू 4 माइनस 1 करेगा, जैसे ही 4 माइनस 1 होगा फैक्ट 3 नाम का एक बफर खुल जाएगा, वहाँ पे 3 इज इक्वल टू 0 करेगा, यहाँ पे 0 नहीं है तो एल्स में जाएगा, 3 माइनस 1 करके फैक्ट 2 नाम का एक बफर खोलेगा, वहाँ पे फैक्ट 2 में जा करके 2 इंटू फैक्ट 2 माइनस 1 करे तो फैक्ट 1 खुल जाएगा, फैक्ट 1 में जाएगा तो फैक्ट 1 इंटू फैक्ट 1 माइनस 1 करेगा तो फैक्ट 0 खुल जाएगा। फैक्ट 0 जैसे ही होता है रिटर्न वैल्यू 1 होगी, एल्स कंडीशन नहीं कैलकुलेट होगी, यहाँ पर आकर के ये रिजल्ट में 1 इंटू 1 करेगा, फैक्ट की 1 इंटू 1 की वैल्यू 1 वापस होगी, तो 1 इंटू 1 करेगा तो रिटर्न 1 हो जाएगा, रिटर्न 1 जब होगा तो 2 इंटू 1 करेगा तो रिटर्न 2 हो जाएगा, अब यहाँ पे 3 इंटू 2 करेगा तो रिटर्न 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 जब रिटर्न होगा तो 4 इंटू 6 करेगा तो 24 आएगा, तो अब यहाँ पर जो प्रिंट करेगा 4 इंटू 24 प्रिंट कर लेगा। अब ये स्टैक लीफो के हिसाब से काम करता है। लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसकी क्या होता है, जब आप किसी भी उसमें किसी भी बर्तन में कोई सामान डालते हैं तो जो नीचे है वो नीचे रहेगा, जो ऊपर है ऊपर है, या बिस्कुट का डिब्बा आप खड़ा कर दीजिए तो जो सबसे पहले गया वो सबसे पहले बाद में निकलेगा। तो यहाँ पे 4 सबसे पहले गया, फिर 3 गया, फिर 2 गया, फिर 1 गया, फिर 1 बाहर निकला, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में गया वो सबसे पहले निकला, 1 आया, 1 इंटू 1 किया इसने, यहाँ पे फिर 2 निकला, 2 इंटू 1 किया तो 2 हो गया, फिर 3 निकला तो 3 इंटू 2 किया 6 हो गया, फिर 4 इंटू 6 करेगा, तो इस तरह से ये लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। इसी तरह से फिबोनाची सीरीज भी हम बना सकते हैं, ये एक बिजनेस में काम आने वाली सीरीज है जिसमें हम फिबो नाम का एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें जी की वैल्यू अगर 0 होगी तो रिटर्न 0 होगा, 1 होगी तो 1 होगा, अदरवाइज रिटर्न फिबो जी माइनस 1 फिबो जी माइनस 2 करेगा। अब इसमें मेन में गए, यहाँ पर कैलकुलेट किया, मेन में जाने पर हमने फीबो को कॉल किया, फीबो की हमने एक सीरीज बनाई, तो काउंटर से उसको कॉल कर रहे हैं, तो जी की वैल्यू 0 से 5 तक जाएगी, 4 तक जाएगी, यहाँ पर प्रिंट डी परसेंट फीबो किया, फर्स्ट टाइम जब जी होगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी तो रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर हमारे सेकेंड टाइम वैल्यू 1 जब होगी तो रिटर्न क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब जी की वैल्यू 2 होगी तो 2 में 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो फिर 1 रिटर्न हो जाएगा, फिर 3 होगी तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद इस तरह से सीरीज आपकी आती चली जाएगी। तो इस तरह से हम रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू अपनी कुछ सीरीजों को जिनको हमारे बिजनेस में या और किसी चीज़ में काम आती है यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन एंड इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियो एंड आस्क द क्वेश्चन इफ एनीथिंग इज़ नॉट क्लियर। गो टू माय चैनल्स, गो टू माय सोशल मीडिया लिंक, फॉलो ऑल द लिंक्स एंड please subscribe my channel. Thank you.